हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। स्टूडेंट, यहां आपसे बोला जा रहा है इन सब में से कौन कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन हैं। स्टूडेंट, पिछले एक्सरसाइज में आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का स्टडी किया था, इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन का स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे आपने 13.1 के क्वेश्चन 1 में जो पार्किंग चार्ज वाला था, यही पता किया था ना कि यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं। सेम इसमें आपने पता करना है कि यह इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था कि यहाँ पर टाइम था और इधर पार्किंग चार्ज था। जैसे टाइम के अकॉर्डिंग पार्किंग चार्ज था, टाइम बढ़ता जाता था तो उसके अकॉर्डिंग पार्किंग चार्ज बढ़ना चाहिए था। यही स्टडी किया था ना कि जितना टाइम बढ़ रहा है जिस रेशो में, उसी रेशो में पार्किंग चार्ज भी बढ़ना चाहिए। वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन था या नहीं वो एक अलग बात है, बट हमारी थीम तो इसी को लेके थी। इसी तरह से हमें यहाँ पर स्टडी करना है कि ये वाले इनवर्स प्रोपोर्शन है अथवा नहीं। इसे और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो 10 रुपीज में 1 पेन आता है तो 20 रुपीज में 2 पेन आएंगे, 30 रुपीज में 3 पेन आएंगे। यहाँ अमाउंट बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ पेन की संख्या भी बढ़ रही है, तो यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन की बात है तो सिंपल सी बात है कि जो डायरेक्ट नहीं है वह इनवर्स है, जो प्रोपोर्शन डायरेक्ट नहीं है वह इनवर्स है, मीन्स इसका उल्टा हो जाता है। इसके बेस पर हम कि कौन कौन से स्टेटमेंट में इनवर्स प्रोपोर्शन है। ओके, पार्ट 1, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। स्टूडेंट्स, यहां आपसे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम टू कंप्लीट द जॉब। कहने का मीन्स जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और टाइम कंप्लीट टू जॉब, यह इनवर्स प्रोपोर्शन है अथवा नहीं। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, हम एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे कि मान लो हमें कोई काम कराना है, हमने 10 वर्कर्स को लगा दिया और एक्सपेक्ट की जा रही है कि वह 6 डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेंगे, बट हम चाहते हैं कि वह 4 डेज में कंप्लीट हो जाए। 6 डे हम वेट नहीं कर रहे, तो एक सिंपल सी बात है कि हम नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देंगे। मान लो नंबर ऑफ वर्कर्स अब हम 15 कर दें, तो सिंपल सी बात है कि वो 6 डे से तो पहले ही कर देंगे ना, लेस देन 6 डे करेंगे। मान लो 3 डेज में करें, 4 डेज में करें या 5 डेज में करें, बट इतना तो श्योर है कि 6 डे से पहले कर देंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि देखो यहाँ 10 थे वर्कर्स और 10 से हमने 15 कर दिए, 5 वर्कर्स हमने यहाँ इंक्रीज कर दिया, बट टाइम जो है डिक्रीज हो गया। जो वर्क 6 डे में हो रहा था अब वो 6 से पहले ही हो रहा है। यहाँ तो हमने नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाए, इंक्रीज किए, बट यहाँ टाइम डिक्रीज हुआ। ये तो उल्टा हो गया ना, बट ये बढ़ेगा तो नहीं ना, उसका उल्टा हो गया। इट मीन्स यह डायरेक्ट नहीं इनवर्स प्रोपोर्शन है। दैट्स ओके, यहां नोट कर दें। यस, नाउ पार्ट 2, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्टूडेंट्स, यहां आपसे बोला जा रहा है कि टाइम टेकन टू जर्नी, मान लो हम 5 घंटे में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं और स्पीड हमारी यूनिफॉर्म ही है, सेम स्पीड से चलते हैं। हम 5 के बजाय 7 आवर हमने जर्नी की, तो सिंपल सी बात है डिस्टेंस जो है मोर देन 200 किलोमीटर ही होगा ना, उससे कम तो नहीं होगा ना। यहाँ टाइम बढ़ा है 2 आवर्स, तो यहाँ डिस्टेंस भी कुछ बढ़ेगा, मीन्स इसे इंक्रीज करने से यह भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बट यहाँ तो आपसे इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करनी है। कहने का मीन्स यह सेकेंड पार्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, यहां नोट कर दें। नो, नाउ पार्ट 3,
एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। यहां आपसे बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड और क्रॉप ऑफ हार्वेस्टिंग। देखो भाई, मान लो आप कुछ एरिया में कल्टीवेट करते हो, उसमें कुछ क्रॉप हार्वेस्ट होती है। मान लो आपने 5 हेक्टेयर में गेहूं बो दिए, वीट प्रोड्यूस किए, तो जो भी प्रोड्यूस हुए वो अमाउंट आपने यहां नोट कर लिया, और आपने एरिया 5 के बजाय 10 कर दिया, यह डबल कर दिया, तो सिंपल सी बात है कि आपका प्रोडक्शन भी अराउंड डबल ही हो जाएगा। मीन्स जब आपने यहाँ एरिया को इंक्रीज किया तो क्रॉप हार्वेस्टिंग का भी इंक्रीज होगा, मीन्स आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा। यहाँ इंक्रीज करने से ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, इट मीन्स यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स तो नहीं ना, इसीलिए यहाँ नोट कर दें नो, दैट्स ओके। नाउ पार्ट 4, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। यहाँ बोला जा रहा है किसी भी फिक्स जर्नी में जो टाइम लिया जाता है और व्हीकल की स्पीड, ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा क्या? देखो स्टूडेंट, यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपने दिल्ली से मीरठ जाना है, आपने स्पीड रखी 50 किलोमीटर पर आवर की, और आपने एक्सपेक्ट किया कि आप 2 आवर्स में पहुंच जाओगे। उसके बाद में हाईवे पर पहुंचने के बाद में आपने स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की कर दी, तो आप मीरठ 2 आवर्स में ही पहुंचोगे या 2 आवर्स से ज्यादा टाइम लगेगा या कम लगेगा? सिंपल सी बात है कि यहाँ आपने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा, लेस टाइम लगेगा। यहाँ इंक्रीज करने के साथ यहाँ तो इंक्रीज नहीं हुआ, ये तो लेस हो गया, इट मीन्स यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है तो फिर क्या है? डायरेक्ट नहीं है तो फिर इनवर्स है। यहां नोट कर दें, यस इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, ओके। नाउ 5th, द प्रोपोर्शन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। यहां आपने बताना है कि एक कंट्री की पॉपुलेशन और एरिया उस लैंड पर पर्सन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो एक कंट्री है, आप कोई भी कंट्री इमेजिन कर सकते हैं, वहां की कुछ फिक्स पॉपुलेशन है और फिक्स ही उसका एरिया है। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो पर पर्सन के अकॉर्डिंग पर किलोमीटर एरिया बढ़ेगा या घटेगा? मान लो 10 लोग हैं, 10 पर्सन हैं, और वो मान लो 10 किलोमीटर के एरिया में ही रह रहे हैं, और यहाँ पर्सन बढ़ गए 10 से 15 हो गए, तो क्या उन्हें एरिया 15 किलोमीटर पर पर्सन मिल जाएगा? नहीं ना, पहले 10 को 10 किलोमीटर मिल रहा था तो 15 को भी 10 ही मिलेगा ना, लैंड थोड़ी बढ़ जाएगी। मीन्स पर पर्सन लैंड यहाँ कम हो जाएगी रहने के लिए, अपनी एग्रीकल्चर और दूसरी चीजों के लिए। पर हेड लैंड उतने नहीं मिल पाएगी, यहाँ तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई बट यहाँ पर हेड लैंड कम हुई, इसे इंक्रीज करने पर यह डिक्रीज हो रहा है, तो यह कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? इसे बढ़ाने से यह भी बढ़ता, तब तो डायरेक्ट होता, बट यहाँ तो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो नहीं है। जब डायरेक्ट नहीं है तो कौन सा है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। यहां नोट कर दें, यस इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ रुपीज 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द विनर्स। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ विनर्स। देखो स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि 1 लाख रुपीज है जो प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है विनर्स के बीच में। आप इस टेबल को कंप्लीट करें और बताएं कि यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखो स्टूडेंट, जब मान लो 1 ही विनर है
तो उसे पूरे 1 लाख रुपीज मिल गए, बट टू विनर्स हैं तो ओनली 50,000 मिल पाए। यहां विनर 1 से 2 हो गए, मीन्स डबल हो गए, तो क्या मिलने वाला अमाउंट भी डबल हो गया? नहीं, यह तो और हाफ हो गया। इट मीन्स यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, और डायरेक्ट नहीं है तो क्या है? इनवर्स है। इसमें कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ। ओके, आगे हमको यह टेबल कंप्लीट करनी है। देखो स्टूडेंट, यहाँ 1 पर्सन है तो उसे 1 लाख रुपीज मिल गए, बट यहाँ 2 विनर्स हैं तो ये 1 लाख को 2 पर्सन में डिवाइड कर दिया इक्वली। इस तरह से 50,000 रुपीज उसे मिले। यहाँ 4 विनर हैं तो यही 1 लाख रुपीज 4 विनर्स में इक्वली डिवाइड कर दिए जाएंगे ना। इस तरह से मिलने वाला अमाउंट हो गया 25,000। ओके, यहाँ 5 विनर हैं तो यह इक्वली 5 विनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा ना। इस तरह से अमाउंट हो गया 20,000। यहाँ 8 पर्सन है तो यही अमाउंट 8 पर्सन में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा, तो अमाउंट कितना मिला? 12,500 पर विनर। और यहाँ 10 विनर हैं तो यही अमाउंट 10 विनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, मीन्स पर विनर अमाउंट हुआ 10,000। यहाँ 20 विनर है तो यही 1,20,000 विनर्स में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा, तो पर विनर कितना हुआ? 5,000। दैट्स ओके। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाए। दिव्य सनातन कथा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question 3, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ही वॉन्ट टू फिक्स इक्वल स्पोक इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर्स ऑफ कंजुकेटिव स्पोक्स आर इक्वल। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि रहमान एक व्हील बना रहा है स्पोक्स यूज करते हुए। वह चाहता है इक्वल स्पोक फिक्स करना इन सच अ वे, इस तरह से कि एंगल बिटवीन एनी पेयर्स ऑफ कंजुकेटिव स्पोक्स आर इक्वल। वह ये चाहता है कि जैसे यह एक व्हील है, इसमें उसने 4 स्पोक लगाई है, ये 4 स्पोक यूज किए ना, तो यहाँ हर एक के बीच में 90 डिग्री एंगल रखा है। ऐसा नहीं है कि एक के लिए 100 हो, दूसरे के लिए 80 हो, थर्ड के लिए 60 हो, ऐसा नहीं। वह सभी स्पोक्स में इक्वल डिग्री एंगल रखता है। यहाँ 4 हैं तो 90 रखा। सेकंड में उसने ये 6 रखे, 6 स्पोक यूज किए, तो हर एक के बीच में 60 डिग्री एंगल रखा। आगे आप उसकी हेल्प करें कि यदि वह 8 स्पोक रखे तो क्या एंगल रखेगा, 10 स्पोक यूज करे तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, 12 यूज करे तो क्या होगा। आपने उसकी हेल्प करनी है। देखो स्टूडेंट, ये व्हील है, मीन्स एक सर्कल है, आप इसे कंप्लीट सर्कल बोल सकते हैं, और कंप्लीट सर्कल होता है 360 डिग्री का। उसने यहाँ 4 स्पोक यूज किए तो 360 को 4 से डिवाइड किया, आंसर आया 90 डिग्री जो कि उसने यूज किए। सेकंड में उसने 6 स्पोक यूज किए तो 360 को डिवाइड किया 6 से, आंसर आ गया 60 डिग्री जो कि उसने यहां यूज किया। ओके, अब उसे 8 स्पोक यूज करने हैं तो आप 360 को डिवाइड करोगे 8 से, डिवाइड करें 8 4 times 32 एंड 8 5 times 40 मीन्स 45 डिग्री आंसर आ गया। यहां नोट कर दें 45 डिग्री। अब उसे 10 स्पोक यूज करने हैं तो 10 से डिवाइड कर लेंगे, आंसर हो गया 36 डिग्री। यहां नोट करें 36। नेक्स्ट में उसे 12 स्पोक यूज करने हैं तो आप 12 से डिवाइड करें, 12 times 36 और 0 से मैच, इट मींस 30 डिग्री। यहां नोट करें 30 डिग्री। आपको अच्छे से समझ आया होगा, यह टेबल तो कंप्लीट हो गई, बट आपको आगे ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पार्ट 1 है,
आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंजुकेटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आपने बताना है कि ये जो नंबर ऑफ स्पोक्स और उनके बिटवीन जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं क्या यह इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब देखो स्टूडेंट, ये 4 से 6 हो गए इंक्रीज हुए, 6 से 8 हो गए इंक्रीज हुए, 8 से 10 हुए, 10 से 12। यहाँ नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या यह एंगल भी इंक्रीज हो रहे हैं? नहीं, यह तो डिक्रीज हो रहे हैं। यदि इंक्रीज के साथ इंक्रीज होता तब तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, बट यहाँ तो डिक्रीज हो रहे हैं इसीलिए यह इनवर्स है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ नोट कर दें। यस, नंबर सेकंड, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंजुकेटिव स्पोक्स ऑन द व्हील विद 15 स्पोक्स। स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि यदि वह व्हील में 15 स्पोक्स यूज करे तो आप बिटवीन एंगल कैलकुलेट करो। ठीक है, करते हैं। ये हमने किया था जैसे 360 को डिवाइड करते गए थे ना इन सभी नंबर से, यहाँ 15 कास्ट किया है तो आप 360 डिवाइड बाई 15 कर लो। ये हो गया 15 टू टाइम 13 एंड 15 फोर टाइम 60, इस तरह से यह हो गया 24 डिग्री। दैट्स ओके। यहाँ फॉर्मूला यूज किया था, एंगल बिटवीन इज इक्वल 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पोक्स, इस तरह से ये हो गया 360 डिग्री डिवाइड बाय 15। आप 360 को 15 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 24 डिग्री। दैट्स ओके, इसका आंसर हो गया 24 डिग्री। नाउ पार्ट थर्ड, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन पेयर कंजुकेटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। स्टूडेंट्स, यहां आपसे आस्क किया गया है कि आपने बताना है कि कितने स्पोक्स की नीड होगी यदि एंगल बिटवीन 40 डिग्री हो। देखो स्टूडेंट, हम यह मान लें लेट्स नंबर ऑफ स्पोक नीडेड इज इक्वल एक्स। अब यही फॉर्मूला यूज करें, एंगल बिटवीन इज इक्वल 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पोक्स। यहाँ एंगल बिटवीन हमको गिवन है 40, यहाँ 40 यूज कर लिया, इज इक्वल 360 और नंबर ऑफ स्पोक हमने x लिया है तो यह अपॉन x हो गया। अब देखो इसके बटे 1 माइंड करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से ये हो गया, 40 इंटू एक्स इज इक्वल 360 डिग्री। अब आप 40 को इधर ट्रांसफर करोगे तो यह डिवाइड करेगा, इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल 360 डिवाइड बाई 40, इस तरह से ये हो गया 9। इट मीन्स उसे 9 स्पोक्स नीडेड होंगे। यहाँ नोट कर दें, नंबर ऑफ स्पोक नीडेड इज इक्वल 9। दैट्स ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट ईच, हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। स्टूडेंट, यहां आपसे बोला जा रहा है कि एक बॉक्स में स्वीट्स थे जो 24 चिल्ड्रन को डिवाइड किए गए, तो हर एक चाइल्ड को 5 स्वीट मिले। आपने बताना है कि यदि नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 ही रह जाए तो हर एक चाइल्ड को कितने स्वीट्स मिले। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर दो चीज है, नंबर ऑफ चाइल्ड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ स्वीट्स। यहाँ नोट करें नंबर ऑफ चिल्ड्रन और यहाँ नोट करें नंबर ऑफ स्वीट्स। यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 24, तो यहाँ 24 नोट करें और हर एक को स्वीट मिली है 5। देखो स्टूडेंट, यहाँ बोला जा रहा है नंबर ऑफ चाइल्ड इज रिड्यूस बाई 4। जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24 थे ना, उनमें से 4 बच्चे लेस हो जाए
तो कितने चिल्ड्रन रह गए? 20। आपने फाइंड करना है हर एक चाइल्ड को कितने स्वीट्स मिलेंगे। आप माइंड कर लें कि हर एक चाइल्ड को एक्स नंबर ऑफ स्वीट मिले। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर 24 चिल्ड्रन हैं, तो हर एक चाइल्ड को 5 स्वीट मिलते हैं। नंबर ऑफ चाइल्ड 20 हो गए, मीन्स पहले से लेस हो गए, तो नंबर ऑफ स्वीट तो ज्यादा मिलेंगे ना। यहाँ चाइल्ड लेस होने से नंबर ऑफ स्वीट तो लेस नहीं हुए, इट मीन्स यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। डायरेक्ट नहीं है तो क्या है? इनवर्स है, मीन्स उसका उल्टा है। डायरेक्ट में हम क्या करते हैं? इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई। यदि यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो हम एक्स का मल्टीप्लाई 24 में करते हैं, बट यह डायरेक्ट नहीं है तो 24 में न करके 20 में करेंगे। मीन्स एक्स इंटू 20 एंड 24 इंटू 5। ओके, यहां नोट करें, एक्स इंटू 20 इज इक्वल 24 इंटू 5। अब देखो 20 का एक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो साइड चेंज करके डिवाइड होगा। इस तरह से यह हो गया एक्स इज इक्वल 24 इंटू 5 बाय 20। अब देखो 5 वन टाइम 5 एंड 5 फोर टाइम 20। ये 5 वन टाइम 5 है और ये 5 फोर टाइम 20 है। देखो 4 वन टाइम 4 एंड 4 सिक्स टाइम 24। 4 वन टाइम 4, 4 सिक्स टाइम 24। इस तरह से हमको यहाँ फाइंड हुआ x इज इक्वल 6। यहाँ पर 6 आना है, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल्स फॉर 6 डे। हाउ लॉन्ग वुड फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल इन हिज कैटल। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक फार्मर के पास 20 एनिमल्स का 6 डे का फूड इनफ है, मींस उसके पास में इतना फूड है कि अपने 20 एनिमल्स को 6 डे तक खिला सकता है। इसके बाद हुआ क्या कि उसे 10 मोर एनिमल मिल गए, उसके एनिमल 10 एक्स्ट्रा हो गए, तो ये फूड अब कितने दिन चलेगा। यहाँ पर दो चीज है, नंबर ऑफ एनिमल और नंबर ऑफ डे। यहाँ नोट करें नंबर ऑफ एनिमल और यहाँ पर नोट करें नंबर ऑफ डे। देखो स्टूडेंट, उसके पास नंबर ऑफ एनिमल 20 है, आप यहाँ 20 नोट करें और नंबर ऑफ डे 6 है। अब यहाँ 10 मोर एनिमल्स हो गए, इट मीन्स नंबर ऑफ एनिमल हो गए 20 प्लस 10, इट मीन्स 30 एनिमल हो गए, तो आप यहाँ 30 नोट करें। अब उनको वह कितने दिन फीड कर सकता है, इसे आप यहाँ एक्स माइंड कर लें। देखो स्टूडेंट, 20 एनिमल को 6 डे तक खाना खिला सकता है, एनिमल 30 हो गए तो क्या वो फूड 6 डे से ज्यादा होगा? नहीं, कम डे तक चलेगा। यहाँ तो ये यह इंक्रीज हो रहे हैं बट यह डिक्रीज होगा, इट मीन्स यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो नहीं है। डायरेक्ट नहीं है तो इनवर्स है। डायरेक्ट में आप एक्स का मल्टीप्लाई 20 के साथ करते बट यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई 30 के साथ करेंगे। इस तरह से ये हो गया 30 इंटू एक्स इज इक्वल 20 इंटू 6। अब आप 30 को इधर ट्रांसफर करें तो यह हो गया एक्स इज इक्वल 20 इंटू 6 डिवाइड बाई 30। देखो स्टूडेंट, 0 से 0 शॉर्ट हो गया, 3 वन टाइम 3 एंड 3 टू टाइम 6। 3 वन टाइम 3, 3 टू टाइम 6, यह 2 इंटू 2 4 हो गया। इस तरह से यह हो गया एक्स इज इक्वल 4, इट मीन्स वह 4 डे तक अपने एनिमल्स को फूड दे सकता है, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6।
A contractor estimates that 3% could revive Jasmine the house in 4 days. If he used 4% instead of 3, how long should they take to complete the job? Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक कॉन्ट्रेक्टर ने एस्टिमेट किया कि 3% के द्वारा वह जसमिंदर के हाउस को रिवायर करा देगा 4 डेज में। आपने बताना है कि यदि वह 3% के बजाय 4% काम पर लगाए तो वह जॉब कितने दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर दो चीज है, नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डे। आप यहाँ नोट करें नंबर ऑफ पर्सन और यहाँ पर नोट करें नंबर ऑफ डे। यहाँ पर नोट करें नंबर ऑफ पर्सन और यहाँ नोट करें नंबर ऑफ डे। देखो यहाँ पर्सन है 3, तो आप यहाँ पर 3 नोट करें। नंबर ऑफ डे 4 है, यहाँ 4 नोट करें। यहाँ नंबर ऑफ पर्सन 4 है, यहाँ 4 नोट करें। नंबर ऑफ डे आपने फाइंड करना है तो आप यहाँ पर एक्स करें। देखो स्टूडेंट, 3% किसी काम को 4 डे में करते हैं, तो 4% 5 डे में तो नहीं करेंगे, 4 डे से पहले ही करेंगे। मीन्स यहाँ इंक्रीज होने से आंसर डिक्रीज हो रहा है, तो यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो नहीं है ना। डायरेक्ट में आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें इसके साथ करोगे 4 के साथ। आप इनका मल्टीप्लाई करें, 4 × x = इनका मल्टीप्लाई करें 3 × 4। अब आप इस 4 को इधर ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड होगा। इस तरह ये हो गया x = 3 × 4/4। अब देखो 4 से 4 सॉर्ट हो गया, तो आपका आंसर क्या आया, 3। इट मीन्स 3 डे में कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7। अ बैच ऑफ बोटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बोटल इन ईच बॉक्स। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोटल्स इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेज वुड बी फिल्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक बैच है बोटल्स का जिसमें 25 बॉक्स पैक किए गए, हर एक बॉक्स में 12 बोटल हैं। आपने बताना है कि यदि बैच सेम रहे और बोटल 12 के बजाय 20 यूज करें हर एक बॉक्स में, तो आप बताओ कितने बॉक्स फिल हो जाएंगे। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर दो चीज हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बोटल्स। आप यहाँ नोट करें नंबर ऑफ बॉक्सेस और यहाँ नोट करें नंबर ऑफ बोटल्स। देखो यहाँ नंबर ऑफ बॉक्स 25 है और नंबर ऑफ बोटल 12 है, और यहाँ नंबर ऑफ बोटल 20 है, नंबर ऑफ बॉक्स आपने फाइंड करना है, इसे हमने एक्स माइंड किया। देखो स्टूडेंट, 12 बोटल पैक करते हैं तो 25 बॉक्सेज हो जाते हैं ना, और हम 20 बोटल पैक करें, इनको इंक्रीज किया, तो बॉक्स तो ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे ना, इसीलिए यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, इनवर्स है। तो हम यह एक्स के साथ 12 का मल्टीप्लाई न करके 20 का करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया x × 20 = 25 × 12। अब आप 20 को ट्रांसफर करें तो यह डिवाइड करेगा ना, इस तरह से यह हो गया x = 25 × 12/20। अब देखो स्टूडेंट, इन्हें 5 से सॉर्ट करें, 5 × 4 = 20 और 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20 and 5 × 5 = 25। अब आप 4 से करें, 4 × 1 = 4 and 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4 and 4 × 3 = 12। अब आपके पास में है 5 × 3, 5 × 3 क्या हो गया, 15। इस तरह से 15 बॉक्सेस फिल होंगे। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 8। अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज।
हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। स्टूडेंट, यह आपसे बोला जा रहा है कि एक फैक्ट्री में 42 मशीन्स की रिक्वायर होती है गिवन आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए 63 डेज में। आपने बताना है कितने मशीन की रिक्वायर होगी उतना ही आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने में, बट वह प्रोडक्शन 54 डेज में हो जाना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो चीज हैं, नंबर ऑफ मशीन एंड नंबर ऑफ डेज। आप यहाँ पर नोट करें नंबर ऑफ मशीन और यहाँ नोट करें नंबर ऑफ डेज। यहाँ नंबर ऑफ मशीन 42 है, नंबर ऑफ डे 63 है, नंबर ऑफ डे 54 है, नंबर ऑफ मशीन एक्स है। देखो स्टूडेंट, 63 डेज में 42 मशीन प्रोड्यूस करती हैं, तो 54 डेज में 42 से ज्यादा ही मशीन चाहिए ना, कम तो नहीं। यहाँ तो नंबर डिक्रीज हुए बट यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए डायरेक्ट नहीं इनवर्स है। तो आप x का मल्टीप्लाई 63 में नहीं करेंगे बल्कि 54 में करेंगे। इस तरह से ये हो गया x इंटू 54 इज इक्वल 42 इंटू 63। अब आप 54 को इधर ट्रांसफर करो तो ये हो गया x इज इक्वल 42 इंटू 63 डिवाइड बाय 54। अब हम इनको 9 से डिवाइड करते हैं। देखो 9 6 टाइम 54 और 9 7 टाइम 63। ये 9 6 टाइम 54 हुआ है और यह 9 7 टाइम 63 हुआ है। अब देखो 6 1 टाइम 6 है एंड 6 7 टाइम 42। 6 1 टाइम 6 है एंड 6 7 टाइम 42। अब आपके पास में है 7 इंटू 7। 7 इंटू 7 क्या हुआ 49। इट मीन्स 49 मशीन 54 डेज में प्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9। A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at the speed of 80 km per hour? Student, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक कार 2 hours का टाइम लेती है डेस्टिनेशन तक पहुँचने में यदि उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो। आपने बताना है कि यदि कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो तो वह कितना टाइम लेगी। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो बात दी गई है, एक तो टाइम और एक स्पीड। यहाँ नोट करें टाइम टेकन और यहाँ नोट करें स्पीड। देखो टाइम उसने 2 आवर लिया, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। आप टाइम को एक्स माइंड कर लोगे। देखो स्टूडेंट, 60 की स्पीड से 2 आवर लेती है तो 80 की स्पीड से 3 आवर तो नहीं लेगी ना, 2 आवर से लेस ही लेगी। यहाँ तो 60 से 80 हो गया, इंक्रीज हुआ बट यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो यह डायरेक्ट न हो करके इनवर्स है। मीन्स आप करेंगे एक्स इंटू 80 इज इक्वल टू इंटू 60। यहाँ नोट करें x इंटू 80 इज इक्वल 2 इंटू 60। अब 80 को इधर ट्रांसफर करो, x इज इक्वल 2 इंटू 60 डिवाइड बाय 80। इनको हम 20 से डिवाइड करते हैं। देखो 23 टाइम 60 एंड 24 टाइम 80, 23 टाइम 60 एंड 24 टाइम 80। इनको 2 से डिवाइड करो, 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4। इस तरह से यह हो गया 3 बाई 2 आवर्स।
या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसे मिक्स फ्रैक्शन कर लें। 2, 3, 2, 1 टाइम 2, 1 रिमेनिंग हुआ, इस तरह से 1/2 आवर्स हो गए। यहाँ नोट कर लें, इज इक्वल 1/2 आवर्स, इट मीन्स 1.5 आवर उसे ट्रेवल करने में लगेगा। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 10, 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 डेज। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि 2 पर्सन एक हाउस में एक न्यू विंडो 3 डेज में फिट कर लेते हैं। वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्ट। एक आदमी पहले ही बीमार पड़ गया काम शुरू होने से पहले। तो आप बताओ कि कितना टाइम लगेगा उस जॉब को पूरा करने में। अब यहाँ पर 2 चीज है, नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डे। यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ नोट करें नंबर ऑफ पर्सन और यहाँ नोट करें नंबर ऑफ डेज। देखो 2 पर्सन है और 3 डेज है। एक पर्सन बीमार हो गया, 2 में से 1 बीमार हो गया, तो कितने पर्सन रह गए? 1 पर्सन। अब टाइम को मान लो एच डे लगेंगे। देखो 2 पर्सन 3 डे में करते हैं, यहाँ 1 पर्सन कितने डे में करेगा? 3 से ज्यादा ही होगा। यहाँ तो पर्सन 2 से 1 हो गए, लेस हो गए, बट डे इंक्रीज हो रहे हैं। तो यह डायरेक्ट नहीं है, इनवर्स है। तो एक्स का मल्टीप्लाई 2 में न हो करके 1 के साथ होगा। इस तरह से हो गया 1 × x इज इक्वल 2 × 3। ये 1x या x ही हो गया, इज इक्वल 2 × 3 = 6। आप या कहें 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड होगा, 1 के डिवाइडेड से कोई चेंजेज नहीं आएगा। इस तरह से हो गया x इज इक्वल 2 × 3 = 6। दैट्स ओके, मीन्स 1 पर्सन 6 डे में फिट करेगा। ओके, अब सेकेंड पार्ट करते हैं। हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट विंडो इन 1 डे। आपसे बोला जा रहा है कि वह विंडो 1 डे में ही फिट करनी है, तो कितने पर्सन की नीड होगी? हम यहाँ पर सेकेंड पार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर 2 चीज है, नंबर ऑफ पर्सन एंड डेज। तो यहाँ नोट करें नंबर ऑफ पर्सन और यहाँ नोट करें नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ पर्सन 2 है, नंबर ऑफ डे 3 है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डे 1 है और मान लिया एक्स पर्सन करते हैं। देखो 3 पर्सन 2 डेज में करते हैं, तो 1 पर्सन जल्दी तो नहीं करेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ तो 3 से 1 हो गए, रिड्यूस हुए, बट यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं, इनवर्स लगेगा, मीन्स एक्स का मल्टीप्लाई 3 में नहीं 2 के साथ होगा। इस तरह ये हो गया 1 × x इज इक्वल 2 × 3, 2 × 3। 1 को इधर ट्रांसफर करोगे डिवाइड करेगा, 1 के डिवाइड से कोई चेंजेज नहीं आएगा। इस तरह ये हो गया x इज इक्वल 2 × 3 = 6। इट मीन 6 पर्सन ही लगेंगे, 1 डेज में 6 पर्सन फिट कर पाएंगे। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन 11। अ स्कूल हैज 8 पीरियड अ डे ईच ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड अ डे अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आर बी सेम। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक स्कूल में 8 पीरियड लगते हैं ईच डे और पीरियड का ड्यूरेशन 45 मिनट होता है। आपने बताना है स्कूल का टाइम तो वही रखें और पीरियड 8 के बजाय 9 रखें, तो आप बताएं पीरियड का टाइम कितना होगा। दैट्स ओके स्टूडेंट, यहाँ पर 2 चीज हैं, नंबर ऑफ पीरियड और टाइम। यहाँ नोट करें नंबर ऑफ पीरियड और यहाँ टाइम इन मिनट। देखो स्टूडेंट, पीरियड 8 लगते हैं, टाइम 45 मिनट दिया जा रहा है। अब पीरियड 9 होने हैं, टाइम हम
एक्स माइंड कर लेते हैं। देखो जब 8 पीरियड हैं तो 45 मिनट मिल रहे हैं, 9 पीरियड होंगे तो टाइम 45 से कम ही होगा ना, यहाँ तो 8 टू 9 हो गए बट यह लेस हो रहा है, इसीलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं इनवर्स यूज होगा। इट मीन्स x इंटू 9 इज इक्वल 8 इंटू 45। अब आप 9 को इधर ट्रांसफर करें तो यह हो गया x इज इक्वल 8 इंटू 45 डिवाइड बाई 9। 9 से ही सॉर्ट कर लें, 9 वन टाइम 9 एंड 9 फाइव टाइम 45, 9 वन टाइम 9 एंड 9 फाइव टाइम 45, 8 फाइव टाइम 40। इस ऐसे हो गया 40 मिनट। इट मीन्स हर एक पीरियड 40 मिनट्स का होगा। दैट्स ओके।